और हमारे संवाददाता शरद ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। शरद, जानना चाहेंगे कि इस खबर के आने के बाद, इस अलर्ट के आने के बाद, खास तौर पर क्या कुछ वहां पर किया जा रहा है, राज्य सरकार की तरफ से किस तरह से चौकसी बरती जा रही है शहरी इलाकों में भी और बॉर्डर एरियाज में खास करके क्या कुछ मोबिलाइजेशन किया गया है। अश्वेता, देखिए त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है अपने देश में और यही अब मौका है जब चौकसी बरतनी होती है पुलिस कर्मियों को। ऐसे में इस तरह का जो गृह मंत्रालय से इनपुट और मिलिट्री इंटेलिजेंस की आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो इनपुट पहुंचा है राजस्थान एटीएस के पास, वो उसको उन्होंने बॉर्डर इलाकों में और बाकी जगह जयपुर में भी कमिश्नर को भेजा है। इसमें कहा गया है कि 15 जो लोग हैं वो काफी ट्रेंड हैं और एक्सप्लोसिव लेकर कार से, ट्रक से, AK-47 लेकर हमला कर सकते हैं। ऐसे में इन परिस्थितियों को देखते हुए विशेष तौर पर एहतियात बरती जाए, इन चीजों से जो विस्फोटक है AK-47 है, इन चीजों से मुकाबले की भी तैयारी रखी जाएगा। उस पत्र को ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है। इसे देखते हुए जो हमारी बात हुई बॉर्डर इलाके में, खासी चौकसी इसलिए बरती जा रही है कि जिस तरह से हमारे जवान वहां पर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी रेंजर का मुकाबला कर रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि हो सकता है कि ये शांत पड़ा जो इलाका है राजस्थान का, उसका उपयोग करें ये पाकिस्तानी घुसपैठ के लिए। ऐसे में इन इलाकों में गश्त बीएसएफ ने बढ़ा दी है, साथ ही जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां जो हमारे एसपी से बात हुई कह रहे थे कि हमने शाम के बाद मूवमेंट खत्म कर दी है, जो गांव वाले उनको कह रहे हैं कि शाम के बाद अपने घर में रहें, तो बॉर्डर इलाके में भी इंटेलिजेंस की इनपुट बढ़ा दी है। साथ ही काफी दुर्गम इलाका है श्वेता, अगर इलाकों में जाएं तो अगर हवा चलती है तेज तो सैंडून जो है तारबंदी के नीचे से हट जाते हैं और खाली तारबंदी हवा में झूलने लगती है। इसी तरह तेज हवा चलती है तो तारबंदी पूरे सैंडून से ढक जाती है, इसमें तारबंदी बहुत ज्यादा मायने रखती नहीं है, ऐसा इलाका है। ऐसे में जो पहरा है, जो नफरी है बीएसएफ का, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, वो बढ़ा दी गई है।